मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन की ट्रेनिंग के दौरान मौके पर एक मेडिकल की टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे कि किसी भी कर्मचारी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। सिवनी जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीतीश सिंघल एवं सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप प्रभारी श्री नवजीवन विजय के मार्गदर्शन में मिशन स्कूल ग्राउंड से साइकिल रैली का आयोजन कर नागरिकों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। उमरिया जिले में पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत शाहपुर में कमिश्नर शहडोल संभाग श्री बी एस जामोद, एडीजीपी श्री डीसी सागर, डीआईजी सुश्री सविता सोहाने की अगुवाई में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। शहडोल जिले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग की उपस्थिति में जनपद शिक्षा केंद्र बुढ़ार से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बखो तक बाइक रैली का आयोजन कर नागरिकों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। सागर जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य एवं जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा ने खेल परिसर सागर से मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायसेन जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे ने उदयपुरा पहुंचकर पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया एवं प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विकास सहवाल भी उपस्थित रहे। रायसेन जिले में एसडीएम श्री पीसी शाक्य ने विवेकानंद महाविद्यालय से मतदाता जागरूकता रैली के आयोजन में नागरिकों को लोकसभा निर्वाचन में मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई। सतना जिले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री एस कुमार ने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित एमसीएमसी सहित विभिन्न प्रकोष्ठों एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेंकट क्रमांक एक में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रतलाम जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम ने रतलाम पब्लिक स्कूल में आयोजित पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।